प्रिया बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल देसी तरह यानी। तो यार जो आप लोग हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसकी बदौलत हम आपके लिए आज एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज लेके आए हैं। जो आज बाइक का हम रिव्यू करने वाले हैं यार, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ठीक है, मेरी एक ड्रीम बाइक में से एक ये बाइक है जिसका मैं सोचूंगा कि बाद में जब हम ले सके तो हम ज़रूर लेंगे। तो यार ये बाइक को अगर मैं सिंपली शॉर्ट में बताऊँ, इट्स अ ब्यूटी, इट्स अ बीस्ट एंड इट्स अ हार्ले डेविडसन फैट बॉय 1700 cc। यार बहुत ही मुश्किल से आपके लिए यह बाइक लेकर आए हैं। तो यार इस बाइक का पूरा रिव्यू करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक आपको सब कुछ बताएंगे, बाइक के लुक स्पेसिफिकेशंस आपको बाइक चला के दिखाएंगे कि बाइक कैसी है, क्या आपको जो इसकी कीमत है यार मैं बताऊं तो आप थोड़ा सा दंग रह जाएंगे कीमत सुन के। इसकी कीमत आपको अराउंड 20 lakhs बढ़ जाएगी। तो यार एंड तक पूरी वीडियो देखना, हम आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या इट्स वर्थ इट टू स्पेंड 20 lakh rupees ऑन दिस हार्ली डेविडसन फैट बॉय 1700 cc। हमारे कैमरामैन हरमन हमारे साथ है। हरमन सबको हाय बोल दीजिए। सत श्री अकाल जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बाइक की हिस्ट्री है यार, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस बाइक से रिलेटेड। बिकॉज ये जो बाइक फेमस हुई थी, ये जो हमारे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर है, उनकी जो मूवी आई थी टर्मिनेटर 2 उसके अंदर इस बाइक के सीन्स दिखाए गए हैं। वो बाइक जो आर्नोल्ड ने यही बाइक यूज की थी। तो यार इस हिसाब से ये बाइक, इसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले लुक्स की बात करूं तो यार मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट स्टनिंग एंड द मोस्ट बैडएस लुकिंग जो क्रूजर मोटरसाइकिल है इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। आई से इट, आई मीन इट। ठीक है, अगर आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देखें, किसी भी एंगल से, इट गिव यू अ फीलिंग ऑफ पावर, डोमिनेंस, अग्रेशन। यार बहुत ही बढ़िया बाइक है यार। अब मैं इसको आपको थोड़ी सी इसकी मैं बता दूं डिटेल्स में कि क्या इसके बाइक के लुक्स के हिसाब है। तो यार इसके अंदर आपके बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स आपको मिल जाएंगी और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी जो चीज़ है हार्ले डेविडसन की, आपको एक चॉइस मिल जाती है। अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हो तो आपको जो बाइक है उसके कलर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। जो ऑप्शन है वह आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि जो नाम है वो थोड़े से अजीब रखे हुए हैं हार्ले डेविडसन वालों ने, इतने नाम याद करना औखा है। तो मैं आपको स्क्रीन पे आ रही होंगे ये सारे जो ऑप्शन है आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो यार अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो यार जो सीट हाइट है ना बाइक की वो 675 mm है। सीट हाइट थोड़ी लो है तो यार जो शॉर्ट राइडर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जो बाइक है वो बहुत मैसिव है। जो बाइक का वेट है दैट्स 314 kgs, बहुत ज़्यादा भारी बाइक है और इसके जो हैंडल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। तो यार जब आप बाइक चलाएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप एक थोड़े मतलब वीक राइडर हैं या थोड़ी आपकी हाइट छोटी है इस हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 115 mm है। तो यार जो इंडियन रोड्स हैं उसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज जो सीट ब्रेकर हैं वो थोड़े ऊंचे होंगे तो आपको स्पीड ब्रेकर में बाइक स्लो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस हिसाब से बाइक का वेट है यार, इसको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आप कॉर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ क्रूजर मोटरसाइकिल, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बाइक घुमाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर हम सीट की बात करें तो सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है, जो पिलियन की सीट है वो भी अच्छी है, बट बैक रेस्ट अवेलेबल नहीं है यार। तो जो पिलियन है जब वो बैठता है यार उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ग्रैब हैंडल आपको एक ग्रैब स्ट्रिप दी गई है पकड़ने के लिए, तो ये अच्छी बात है, बट पिलियन के लिए थोड़ा सा बेटर और हो सकता था। तो सामने की बात करें, सामने की तरफ आपको एक स्क्वेयर LED लाइट मिल जाएगी। इसके साथ हमने आफ्टर मार्केट जो स्मॉल लाइट्स हैं वो लगवाई हुई हैं। अगर आपको पसंद है आप अपने बुलेट या अपनी क्लासिक के अंदर भी ये वाली लाइट्स लगवा सकते हो। बहुत ही ब्रॉड और मैसिव लुक देखता है बाइक को, जो आगे बहुत ज़्यादा मैसिव है। ठीक है यार, तो यार बाइक की अगर मैं शॉर्ट में बता दूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लुकिंग बाइक है। ठीक है, अगर आप, मैं इतना आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप कहीं भी ऐसी बाइक को लेके जाएंगे तो लोग एक बार तो यार ज़रूर मुड़ के देखेंगे। ठीक है, तो यार अगर हम आप बात करें थोड़ी सी डिटेल में बाइक की स्पेसिफिकेशंस को लेके कि बाइक में आपको क्या क्या मिल जाता है। ठीक है, तो यार जो बाइक है वो दो इसके आपको इंजन में मिल जाती है, एक है मिलवॉकी 107 और एक है मिलवॉकी 114। थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा फर्क है, जो मिलवॉकी 107 है वो थोड़ा सा सस्ता है, मतलब 1-2 lakh का फर्क है, मतलब जो वैसे बहुत ज़्यादा फर्क है, पर बाइक की प्राइस को देखते हुए इतना फर्क नहीं है। ठीक है, और मिलवॉकी 114 है जिसका पावर और जो टॉर्क है वो थोड़ा और भी ज़्यादा है। ठीक है, जो इंजन है वो अराउंड 1700 cc का इंजन है जो कि 145 Nm ऑफ टॉर्क पैदा करता है 3000 rpm के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसका टॉर्क बताऊँ ना यार, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 145 Nm टॉर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 19 liters की है। अब ये बहुत अच्छी फ्यूल कैपेसिटी है अगर कोई और क्रूजर बाइक होता, बट इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी कम है। ठीक है, जो कंपनी है वो कहती है कि 15 से 20 liter KMPL की आपको एवरेज मिल जाएगी, बट जो हमारे जो ओनर हैं इस बाइक के वो कह रहे हैं कि उनको 10 से 12 की ही एवरेज मिल रही है। तो यार ये थोड़ी सी परेशानी है कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आपको 19 liter की टैंक कैपेसिटी भी मिल रही है, पर बाइक जो है वो अच्छी एवरेज नहीं दे रही। अगर मैं इसकी
व्हील्स की बात करूं तो यार मतलब दिल ही जीत लेते हैं। ठीक है, जो इनके व्हील्स हैं बहुत ही बढ़िया है। सामने की तरफ आपको 18 इंच का 160x60R का आपको टायर मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टायर है। ठीक है, और अगर मैं पिछली साइड बात करूं तो पिछली साइड आपको 240x40R का 18 इंच का मोटा टायर मिल जाएगा। यार मैं बताऊँ, मतलब मैं तो बुलेट चलाता हूँ यार, उसके तो मतलब 3 टायरों के बराबर होगा ये टायर, इतना ये ब्रॉड टायर है। आपको बहुत अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है रोड के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है हाई स्पीड के ऊपर। जैसे ही आप जानते हैं कि इस बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप इसको अराउंड 175 तक 200 किलोमीटर पर आर तक आप इस बाइक को लेकर जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें, ना लेके जाना, सेफ्टी मैटर ज़्यादा करती है। ठीक है, इसके अंदर क्लस्टर की बात करूं तो यार आपको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स मिल जाती है इसके क्लस्टर के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर एक कीलेस एक्सपीरियंस मिलता है। आपने एक बार की लगा दी, आपको कहीं फिर से की लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक बार बाइक आपने लॉक खोल दिया, उसके बाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब बाइक हम यहां से स्टार्ट कर दी। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको एक एनालॉग जो स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके साथ आपको टैकोमीटर मिल रहा है, ओडोमीटर मिल रहा है, गियर डिजिटल गियर इंडिकेटर मिल रहा है। ठीक है, आपको ट्रिप मीटर मिल रहा है, रेंज इंडिकेटर मिल रहा है, आपको लो फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है। तो यार ये सारे बहुत ज़्यादा फीचर है, इतने नहीं है जितने जैसे कि हम स्पोर्ट्स बाइक में देखते हैं। तो उसके अंदर आपको LCD स्क्रीन के साथ और बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं। बट यार अगर हम बाइक की एक ओल्ड स्कूल और विंटेज फीलिंग को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बाइक की जो ये क्लस्टर है ये बहुत अच्छा सूट करता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग, ठीक है, आप कोई भी प्रीमियम बाइक लेते हैं, कोई भी लग्जरी बाइक लेते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिटेलिंग क्या है। ठीक है, कि कितना अच्छा जो है हार्ले डेविडसन ने इस बाइक को फिनिश किया हुआ है। आप जिधर भी देखेंगे आपको बाइक के अंदर फाइन फाइन डिटेलिंग मिलेगी। ठीक है, तो यार ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि अगर आप इतना मनी स्पेंड कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर तो जो हार्ले है वो आपको रिवॉर्ड कर रही है इतनी अच्छी बाइक प्रेजेंट करके। ठीक है यार, तो अब मैं आपको इसके अंदर इसकी साउंड सुनाऊंगा कि इसकी बाइक की कितनी अच्छी साउंड है। ठीक है, आपको इस बाइक की हम साउंड सुनाएंगे कि इसकी साउंड कैसी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डुअल एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी आवाज़ की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप बताना कमेंट्स के अंदर कि आपको इस बाइक की आवाज़ कैसी लगी है। ठीक है, जैसा कि आपने सुनी बाइक की बहुत ही बहुत अच्छी आवाज़ है यार। जैसे कि हम तो सारे बुलेट लवर हैं तो हमको तो पता ही है कि साउंड कितनी मैटर करती है एक बाइक लवर को। तो यार बहुत ही अच्छी साउंड है बाइक की और बहुत ज़्यादा थंप है, मतलब आप बाइक चलाते हो ना आपको एकदम से वाइब्रेशन फील होती है पूरी बॉडी के अंदर, थैंक्स टू द 1700cc जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो यार अब हम आपको इस बाइक को थोड़ा सा चला के दिखाएंगे कि ये बाइक कैसी है, तो आपको एक्सपीरियंस पता लग जाएगा कि बाइक अगर आप खुद चलाएंगे तो आपको कैसी लगेगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो यार अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं बाइक के, जो थोड़ा सा टाइम मैंने बताया बाइक के साथ, यार बहुत ही अच्छी बाइक है यार, बहुत ही मतलब आई गेस कि बेस्ट बाइक है क्रूजिंग के लिए और जो है ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी है बाइक, टूरिंग के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है। ठीक है, आपको इंडियन के अंदर ट्रायम्फ के अंदर और भी आपको इसके साथ के कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे, बट अगर आप सिर्फ लुक्स अगर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं ना यार, तो यार ये बाइक मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन और ट्रायम्फ के जो वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे इसी प्राइस के रेंज के अंदर। तो यार अगर आप इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अराउंड 20 लाख है इस बाइक की कॉस्ट, तो यार अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, मैं इसको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इसी तरह यार, नहीं हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आपके लिए और कंटेंट अच्छा अच्छा लेके आते रहें, और ही प्रीमियम बाइक्स लेके आते रहें, अलग अलग बाइक से रिव्यू करके दिखाएं आपके लिए। वैसे हम सिर्फ रॉयल इनफील्ड्स की जो है बाइक्स की वीडियो बनाते हैं, पर यार हमने कहा कि कुछ न्यू दिखाया जाए हमारे जो व्यूअर्स के लिए, जो हमें इतना प्यार करते हैं, हमें इतने मैसेजेस करते हैं, उनके लिए कुछ नया लेकर आया जाए, तो हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए थे। तो यार मैं स्टे हेल्थी स्टे फिट फाइट कोरोना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल देसी दरा यार नी।